मुंबई में भारी बारिश के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। महालक्ष्मी एक्सप्रेस को बदलापुर और वांगनी के बीच रोक दिया गया है। ट्रैक पर पानी भरने की वजह से इस ट्रेन को रोका गया है। सेंट्रल रेलवे ने इस बात की पुष्टि की है और ट्रेन के रोके जाने की वजह से उसमें यात्रा कर रहे करीब 700 यात्री फंस गए हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हो गई है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं। ट्रेन में फंसे यात्रियों को बिस्किट और पानी वितरित किया जा रहा है और इस बीच सेंट्रल रेलवे डिवीजन रेलवे मैनेजर ने बचाव दल को ट्रेन में फंसे यात्रियों को निकालने के निर्देश दिए हैं। वहीं सेंट्रल रेलवे ने महालक्ष्मी एक्सप्रेस के यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि वे ट्रेन से नीचे ना उतरें, ट्रेन सुरक्षित है। मौके पर एनडीआरएफ की 8 टीमों को रवाना किया गया है और राहत एवं बचाव के लिए 3 नावों को भी भेजा गया है। बता दें कि मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से रेल सेवा बुरी तरह से प्रभावित है। मुंबई के बदलापुर स्टेशन के ट्रैक पर पानी भर गया है, जिसके चलते कई रेल सेवा को रोक दिया गया है। वहीं कई लोकल ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको बता दें, मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। मुंबई से खबर है जहां पर बद्दापुर के पास जो यात्रियों से भरी महालक्ष्मी एक्सप्रेस है वो फंस गई है और आप देख सकते हैं किस तरह से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। ट्रेनों के अंदर जो यात्री हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। 200 लोगों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन 700 यात्री आपको बता दें अभी भी फंसे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 700 यात्री ट्रेन में फंसे हैं। 2 लोगों को एनडीआरएफ की टीमें ने रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। लगातार मुंबई में हो रही बारिश ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, रेलवे ट्रैक नज़र नहीं आ रहे हैं। कई लोकल ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से भी चल रही हैं, लेकिन कई ट्रेनें ऐसी हैं जो लंबी दूरी की जो बारिश की वजह से फंस गई हैं। तस्वीरें आपके सामने। फिलहाल मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और 200 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। महालक्ष्मी ट्रेन पानी में फंसी हुई है। 700 यात्री इस पर सवार हैं, जिनको खाने के लिए बिस्कुट वगैरह चीज़ें दी जा रही हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें आप देख सकते हैं, महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन पूरी तरह से बदलापुर के पास फंस गई और जिसमें 700 यात्री सवार थे। एनडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर 2 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोग ट्रेन में फंसे हुए हैं। तीरे आप देखिए जहां पर रेस्क्यू करके लोगों को लाया जा रहा है, और क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग ट्रेन में सवार हैं और जो एनडीआरएफ की टीम है वो नाव के माध्यम से इन लोगों को सुरक्षित जगहों पर लेकर आ रही है।